अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो अपवर्क के रिलेटेड है कि अपवर्क में से पेमेंट विड्रा किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जब आपके पास अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, आपकी वेरीफाई हो जाती है और विड्रा के लिए अवेलेबल हो जाती है कि आपने काम किया क्लाइंट के साथ, काम करने के बाद पहले आपकी पेमेंट आई, उसके बाद हफ्ते के बाद यानी कि 5 दिन के बाद जुमे के बाद जो है वो आपके सेकेंड ऑप्शन में आ जाती है और उसके बाद बुध को वो अवेलेबल हो जाती है विड्रा करने के लिए। तो विड्रा करने का बैंक अकाउंट में क्या तरीक़ाकार है कि बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किस तरह से करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, आज उसके कंप्लीट प्रोसीजर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें कॉन्टेंट। और अगर कॉन्टेंट अच्छा लगता है यार, कोई फ़ायदा हो जाता है तो लाइक शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा होता है, जवाब दे दिया करूँगा आप लोगों को, साथ साथ गपशप होती रहती है। तो ज़रा आपको देख के चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की और आपको वहाँ दिखाता हूँ कि हमने जो विड्रा करना होता है उसका प्रोसीजर क्या है, अपवर्क से पेमेंट को विड्रा करने का बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का तरीका कार आज बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलें ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ आपको। जी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको भी बताऊँगा कि हमने अपवर्क में जो पेमेंट पड़ी होती है उसको विड्रा किस तरह से करना है, उसका विड्रा करने का तरीक़ाकार क्या है, हम उसको बैंक में निकलवा सकते हैं या हम उसको क्या पेनियर पे निकलवा सकते हैं। तो सिंपल आपने अपना डैशबोर्ड खोल देना इस तरह से, जैसे फाइंड वर्क पे खड़ा है आपके सामने है। अभी हम जाएंगे रिपोर्ट्स में जहाँ हमारी पेमेंट की हिस्ट्री आ रही होती है, हमारे पास जो पेमेंट मौजूद है। अभी ये आपके सामने मेरे $395 जो हैं ये पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं, जो कि अभी मुझे निकलवाने हैं। और इनको निकलवाने के लिए क्या करेंगे जी, इसके ऊपर अवेलेबल हम निकलवा सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें एक तो मुझे वो बता रहा है कि June 28th को अगर 1000 से ज़्यादा होगा तो मेरा ऑटोमेटिक जो है वो विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी पिछली पेमेंट्स वगैरह हैं जो आई हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, गेट पेड नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब हम गेट पेड नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा कि जी आप हमें वेरीफाई करें कि ये आप ही हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है जी सेलेक्ट सेंड टू रिसीव वेरीफिकेशन कोड टू इस नंबर पे, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे मिलेगा जो है SMS आएगा और कोड आएगा। और ये कोड आने के बाद जब हम यहाँ कोड इंटर करेंगे तो कोड इंटर करने के साथ ही ये मेरे मोबाइल पे कोड आ गया है और ये है 94431। और नेक्स्ट वेरीफिकेशन तो लाजमी है ना, क्योंकि पेमेंट निकलवानी होती तो वेरीफिकेशन है। अक्सर आपसे पासवर्ड भी मांग लेता है आपका, हाँ अभी देखें ना पासवर्ड भी इसने मांग लिया है कि जी पासवर्ड दो, तो ये मैंने पासवर्ड फिलअप किया और ये कंटिन्यू। अब उनको वेरिफिकेशन हो गई है कि भाई बंदा वही है, कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको हमने पेमेंट मेथड, अब पेमेंट मेथड दो हैं, एक आप पेनियर के ज़रिए निकलवा सकते हैं। अगर आप पेनियर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये जो है विड्रा फीस जो है ये $2 जो है ये काटेंगे, ठीक है। और अगर आप अपना बैंक अकाउंट का करते हैं तो $1 तकरीबन, यानी कि 0.99 सेंट्स जो हैं, यानी कि $0.99 ये आपसे चार्ज करेंगे और आप इसको जो है विड्रा कर सकते हैं। अब प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए इसका, एक्सचेंज रेट 149 है बैंक का, ठीक है। और इसका पेनियर का वैसे रेट जो है ज़रा ज़्यादा होता है, तो अगर आप पेनियर पे कराएं, यानी कि पेनियर पे यहाँ पे आप करेंगे $2 लगेंगे, देन आप पेनियर से आगे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इशू कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं जो हूँ वो अभी यहाँ सीधा बैंक में ही कर रहा हूँ और 395 अगर अवेलेबल हैं तो मैं इस वक्त 385 करूँगा, ठीक है, बल्कि 386 कर लेते हैं, $1 तो इन्होंने ले लेना है ना, ठीक है। अमाउंट मस्ट बी न्यूमेरिकल वैल्यू विद टू डिसिमल प्लेसेस, ये लें जी, ठीक है। एक अमाउंट लिखने का ये तरीक़ाकार भी है कि आप अमाउंट लिख के आगे डॉट यानी कि इशारिया 00 लगाएंगे तभी जो आपको सीधी तरह से देगा पैसे, ठीक है। अभी 385 मेरे जो विड्रॉ होंगे, बाकी $10 मैंने रख लिए हैं, यार कनेक्ट्स वगैरह खरीदने होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने पेमेंट डाल दी अदर अमाउंट में, अगर आप सारी निकलवाना चाहते हैं जितनी मौजूद है तो आप इसको क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको ये फीस शो करा रहा है, आपको लास्ट एक्सचेंज रेट शो करा रहा है कि ये जो रेट है ये आपका लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम गेट पेड नाउ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जी कंग्रेचुलेशंस,
यू हैव सक्सेसफुली विदड्रॉन फंड्स, ठीक है, विदड्रॉ कन्फर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट मेथड, ये बैंक अकाउंट नंबर जो इस पे और PKR में है इस पे चले गए हैं पेमेंट, ठीक है, 149.54 डॉलर रुपीज़ जो है पर डॉलर रेट वो मुझे लगा है। इसके साथ ही मुझे ईमेल भी आ गई है, ये देखें, आई अजीम यूर रिक्वेस्ट पेमेंट ऑफ 385 फ्राम अबव वायर डायरेक्ट टू लोकल बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट, ठीक है, यानी कि इधर भी कन्फर्मेशन आ गई, यहाँ भी कन्फर्मेशन आ गई, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आप इसको प्रिंट करके रखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको सिंपल आप क्लोज़ कर दें, ठीक है ना। सिंपल सा तरीकेकार है कि इससे आपने विड्रा किस तरह से करना होता है, अपवर्क से जो आप पेमेंट निकलवाते हैं उसका पेमेंट निकलवाने का प्रोसीजर क्या है, ये वीडियो उसके ऊपर थी, और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।